U-Box Tech. हेलो गाइस, मेरा नाम तुषार है, आप देख रहे हैं यूबॉक्स टेक। आज मैं आपको बताऊं कि किसी भी फ़ोन में 7680 fps स्लो मोशन को कैसे रिकॉर्ड करता है। इस ट्रिक के लिए आपको रूट की ज़रूरत नहीं है, बस आपके फ़ोन में ऑलरेडी 960 fps का मोड होना चाहिए, तभी आप ये ट्रिक अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले आपने फ़ोन के कैमरे से कोई भी 960 fps का स्लो मोशन रिकॉर्ड कर लीजिए। मैं यहाँ पर पोको X2 का यूज़ कर रहा हूँ। ये रिकॉर्ड करने के बाद आप उसका स्लो वाला पार्ट एडिट करके इसे वीडियो को एक्सपोर्ट कर दें। वीडियो को एक्सपोर्ट करने के बाद आपकी स्लो वाली वीडियो तैयार होगी। यहाँ पे यह भी 960 fps की वीडियो है। इसके बाद ये वाला ऐप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लें। इस ऐप की हेल्प से हम उसे मोशन इंटरपोलेशन यूज करके स्लो डाउन करेंगे। इस ऐप में वीडियो चूज करने के बाद आप ऐसे राइट साइड से स्पीड को सबसे मिनिमम कर दें। ऐप के अंदर प्रीव्यू में लैग आएगी, वीडियो एक्सपोर्ट होने के बाद ये स्मूथ हो जाएगा। मैं जिस तरह सेटिंग सेट कर रहा हूँ आप उस तरह सेटिंग सेट कर दें। सबसे पहले इन दोनों ऑप्शन को डिसेबल कर दें और यह सेटिंग्स में रेजोल्यूशन को मिनिमम सेट कर दें और यहाँ पर मोशन इंटरपोलेशन को जरूर सेलेक्ट कर दें, नहीं तो आपकी वीडियो चॉपी आ सकती है। इसके बाद सेव सेटिंग्स पर क्लिक करें और वीडियो के एक्स्ट्रा पार्ट को आप यहां से क्रॉप आउट कर सकते हैं। क्रॉप करने के लिए जहां से आपको स्टार्ट करना है राइट साइड क्रॉस वाला बटन दबाइए, इसके बाद आगे जाकर डिलीट वाला बटन दबा दें, फिर आपका एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट शेयर पर क्लिक कर दें। इस ट्रिक से आपकी वीडियो स्लो भी हो जाएगी और उसमें लैग भी नहीं आएगी। ये ऐप मोशन इंटरपोलेशन को यूज़ कर रहा है। मोशन इंटरपोलेशन में वीडियो के फ्रेम्स के बीच में और फ्रेम ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वीडियो स्लो डाउन हो जाती है। एग्जांपल के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये 30 fps वीडियो है, यानी कि इसमें हर एक सेकेंड में एक फ्रेम है। वीडियो को मिनिमम 30 fps का होना चाहिए, तभी वो स्मूथ दिखती है। आप देख सकते हैं इसमें हर एक फ्रेम में कोई ना कोई मूवमेंट है। अगर इसको मैं मैन्युअली यहाँ से वीडियो को स्लो करूँगा तो इस वीडियो में लैग आएगी। मैं इसको यहाँ से 32 टाइम्स स्लो कर रहा हूँ, जो कि 960 fps होता है। वीडियो को स्लो करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी लेंथ बढ़ गई है। अब इसमें हर 32 फ्रेम्स के बाद एक मूवमेंट दिखेगा। आप देख सकते हैं इसमें हर 32 फ्रेम के बाद एनिमेशन है। अगर मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ तो इसमें काफी लैग आती है। तो अगर इस वीडियो को हम मोशन इंटरपोलेशन यूज़ करके स्लो डाउन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी स्मूथ वीडियो आई है। मोशन इंटरपोलेशन की वजह से इस वीडियो के फ्रेम्स में बीच में और फ्रेम्स ऐड हो गए हैं, ताकि वीडियो स्मूथ हो जाए। अगर आपको 960 fps की वीडियो को 7680 fps बना जाए तो आपको उसे 8 टाइम्स स्लोर करना होगा, जो कि 12.5% स्पीड होगी वीडियो की। इसलिए मैंने यहाँ पे 13% सेलेक्ट किया था, जो कि 12.5% के पास है।
वीडियो को लोडिंग होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वीडियो कितनी स्लो हो गई है और इसमें आपकी लैग भी नहीं आएगी। मैं आपको इसी मेथड से किए हुए कुछ स्लो मोशन का सैंपल दिखाता हूँ।